दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार में न्यू कनेक्शन के लिए, बिजली के न्यू कनेक्शन के लिए कितना चार्ज लगता है। अगर आप न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, क्या क्या चार्जेज आपको देना पड़ता है, वो चार्जेज किस चीज़ों पर डिपेंड करते हैं कि कितना चार्ज आपसे लिया जाना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पूरी डिटेल में आज इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 1 जनवरी 2020 से पहले अगर आप बिहार में न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करते थे तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता था। उसके लिए आप काउंटर पर जाकर उस फॉर्म को भर के जमा करते थे, उसके साथ जो भी उसका चार्जेज होते थे वो आपको फॉर्म के साथ में जमा करना पड़ता था। लेकिन 1 जनवरी 2020 के बाद से इसे चेंज कर दिया गया है, इसे पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है और इसके लिए एक नया ऐप डेवलप किया गया है, सुविधा ऐप, जिसके थ्रू आप न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सुविधा ऐप से न्यू कनेक्शन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं उसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। दोस्तों अब जो आप सुविधा ऐप से न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अप्लाई करते समय में कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। आप सिंपली अपना फॉर्म भर के अपलोड कर दीजिए और आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है और आपका कनेक्शन के लिए अप्लाई हो जाता है। उस समय आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब आपका फर्स्ट बिल इशू होता है न्यू कनेक्शन हो जाने के बाद से, पूरा कनेक्शन लग गया, मीटर लग गया, उसके बाद से जो आपका पहला बिल आता है उसमें न्यू कनेक्शन का जो भी चार्जेज होंगे, कनेक्शन के जो भी चार्ज आपको लगने थे वो सभी आपको पहले बिल में ऐड करके आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वो क्या क्या चार्ज आपको लगते हैं और वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि आपको कितना चार्ज लगना है। दोस्तों बिहार में आपको न्यू कनेक्शन के लिए 3 तरह के चार्जेज देने पड़ते हैं। पहला है एप्लीकेशन फी, दूसरा सुपरविजन लेबर एंड एस्टेब्लिशमेंट चार्ज, ये तीनों एक ही बार में लगता है। तीसरा है सिक्योरिटी मनी। दोस्तों ये तीनों चार्जेज इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप किस कैटेगरी में कनेक्शन ले रहे हैं, कितने लोड का कनेक्शन ले रहे हैं, सिंगल फेज ले रहे हैं कि 3 फेज ले रहे हैं, इन बातों पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चार्जेज लगने हैं और कितना चार्ज लगना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग तीनों के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं कि कब आपको कितना चार्ज लिया जाता है। उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि क्या क्या चार्जेज आपसे लिया जाना है। दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में कि आपको एप्लीकेशन फी कितना देना पड़ता है। दोस्तों एप्लीकेशन फी इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कितने फेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसका लोड से कोई लेना देना नहीं है, कितने भी लोड का अप्लाई करें अगर उस कैटेगरी में उतना ही फेज का है तो आपको सेम ही एप्लीकेशन फी लगेगा। दोस्तों ये एप्लीकेशन फी कुटीर ज्योति के लिए, जो भी बीपीएल वाले कनेक्शन होते हैं उनके लिए आपका एप्लीकेशन फी है 20 रुपया। और उसके अलावा अगर आपका एलटी कनेक्शन है, कोई भी एलटी कनेक्शन करवाते हैं सिंगल फेज का, तो उसमें आपका एप्लीकेशन फी लगता है 75 रुपया। उसके बाद अगर आप 3 फेज का एलटी कनेक्शन लेते हैं, जो भी 3 फेज डोमेस्टिक या कमर्शियल कनेक्शन होते हैं इंडस्ट्रियल को छोड़ के, तो उसमें आपका एप्लीकेशन फी लगेगा 200 रुपया। और अगर इंडस्ट्रियल का एलटी कनेक्शन लेते हैं, एलटीआईएस कनेक्शन लेते हैं, LTIS 1 या 2, तो उसमें आपको एप्लीकेशन फी लगेगा 300 रुपया। इसके अलावा अगर आप एचटी कनेक्शन लेते हैं तो आपको एप्लीकेशन फी लगेगा 750 रुपया। और अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के लिए अगर आप तत्काल कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, जो तुरंत दिया जाता है, उसमें आपको जो भी एप्लीकेशन फी उसके लिए डिसाइडेड है उसका 2 गुना आपको चार्ज किया जाता है। और इन सारे चार्जेस पे आपको 18% का GST भी लिया जाता है। यानी कि अगर आपका एप्लीकेशन फी 75 रुपया है तो 75 रुपया प्लस 18% उसका GST आपको चार्ज किया जाएगा। अब आ जाते हैं सुपरविजन लेबर एंड एस्टेब्लिशमेंट चार्ज के बारे में। दोस्तों ये चार्ज भी आपको डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं और कितने फेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसका भी आपके लोड से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों सिंगल फेज एलटी के लिए ये चार्ज है 400 रुपया। यानी कि अगर आप डोमेस्टिक या कमर्शियल सिंगल फेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 400 रुपया लेबर एंड सुपरविजन कॉस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप 3 फेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये चार्ज हो जाएगा 900 रुपया। लेकिन इंडस्ट्रियल को छोड़कर, इंडस्ट्रियल केस में ये आपका सुपरविजन चार्ज है 1500 रुपया। मतलब LTIS कनेक्शन में आपको 1500 रुपया लेबर एंड सुपरविजन चार्ज देना पड़ेगा। उसके अलावा बाकी जो भी कनेक्शन है डोमेस्टिक कमर्शियल इन सब में आपको 900 रुपया सुपरविजन चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप एसटी कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो एसटी में कोई फिक्स नहीं है, जो भी एस्टिमेशन होगा, जो भी एस्टिमेट बनेगा आपके कनेक्शन के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन फी की तरह ही इसमें अगर आप तत्काल कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो जो भी ये चार्जेज है वो आपको 2 गुने रेट से चार्ज किया जाएगा। अगर आपका सुपरविजन चार्ज 400 रुपया है तो आप तत्काल कनेक्शन के लिए वो 800 रुपया लगेगा। और इन सभी चार्जेज पे आपको 18% का GST भी आपके चार्ज में ऐड किया जाएगा। मतलब अगर 400 रुपया आपका सुपरविजन चार्ज है तो 400 प्लस 18% उसका GST आपके बिल में जुड़ा जाएगा। दोस्तों अब आते हैं सबसे लास्ट चार्ज के बारे में, जो कि है सिक्योरिटी मनी। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आपके जो भी कनेक्शन का चार्ज लगता है उसमें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी मनी ही आपको चार्ज किया जाता है। दोस्तों सिक्योरिटी मनी इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं और कितने लोड का अप्लाई कर रहे हैं। जितने ज़्यादा लोड का आप कनेक्शन लेंगे आपका सिक्योरिटी मनी भी बढ़ता ही जाएगा। दोस्तों ये सिक्योरिटी मनी डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए, जो रूरल एरिया में DS1 कनेक्शन होते हैं उनके लिए है 400 रुपया पर किलोवाट। मतलब 1 किलोवाट अगर DS1 का अप्लाई करते हैं तो आपको 400 रुपया सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा। वैसे ही DS2 कनेक्शन होते हैं, जो अर्बन एरिया में डोमेस्टिक कनेक्शन होते हैं उनके लिए सिक्योरिटी मनी है 800 रुपया पर किलोवाट।
और जो रूरल एरिया में कमर्शियल कनेक्शन होते हैं NDS 1 के जो कनेक्शन होते हैं, इसमें आपका सिक्योरिटी मनी है 600 रुपया पर किलोवाट। और NDS 2 ये कनेक्शन होते हैं जो मतलब आधा किलोवाट से नीचे के R1 कनेक्शन होते हैं, उसमें आपका सिक्योरिटी मनी है 700 रुपया। और उसके ऊपर अगर आप जितने लोड का कनेक्शन लेते हैं अर्बन एरिया में, जो भी कमर्शियल कनेक्शन होते हैं, उनका सिक्योरिटी मनी है 1300 रुपया पर किलोवाट। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कनेक्शन जो भी होते हैं LTIS 1 या LTIS 2, इसमें आपका 1200 रुपया पर किलोवाट सिक्योरिटी मनी लिया जाता है। उसके बाद जो एग्रीकल्चर कनेक्शन होते हैं, उसमें आपको 400 रुपया पर HP के हिसाब से सिक्योरिटी मनी लिया जाता है। दोस्तों इसमें कोई भी आपको GST नहीं देना होता है, सिक्योरिटी मनी पे कोई भी आपको GST चार्ज नहीं किया जाता है दोस्तों। तो ये 3 तरह के चार्ज है जो आपको न्यू कनेक्शन के लिए आपके बिल में जोड़े जाते हैं या फिर आपको चार्ज किए जाते हैं। चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि आप कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है, आपके बिल में कितना चार्ज लगना है। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें ये देख सकते हैं कि ये डोमेस्टिक कनेक्शन है जो कि 3 फेज का 5 किलोवाट का कनेक्शन है। आप इसमें देख सकते हैं ये इनका पहला बिल है, तो इसमें इनको 5298 रुपया अदर चार्जेज में जोड़ गया है जो कि इनका कनेक्शन का चार्ज है। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये 5298 रुपया कैसे कैलकुलेट किया गया है। दोस्तों चूंकि ये LT कनेक्शन है, मतलब लो टेंशन है कनेक्शन है और 3 फेज कनेक्शन है, तो इनको 200 रुपया एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। इंडस्ट्रियल कनेक्शन रहता तो इसमें एप्लीकेशन फ़ी 300 रुपया लगता है ये, लेकिन डोमेस्टिक कनेक्शन इसलिए इनको एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपया लगेगा और उस पर 18% GST लगेगा। तो ये 200+ GST लेके 236 रुपये इनका एप्लीकेशन फ़ी हो गया। उसके बाद आते हैं लेबर सुपरविजन एंड एस्टेब्लिशमेंट चार्ज पे। तो इस केस में 900 रुपये इनका लेबर एंड सुपरविजन कॉस्ट हो जाएगा क्योंकि ये 3 फेज का कनेक्शन है और डोमेस्टिक कनेक्शन है। तो 900 रुपया + GST 18% जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1062 रुपया। अब आते हैं इनका सिक्योरिटी कितना चार्ज किया जाएगा। तो सिक्योरिटी जैसे आपने बताया था कि इनको लोड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि लोड के हिसाब से कितना सिक्योरिटी होना है। तो जैसे इनका आप देख सकते हैं इनका 5 किलोवाट कनेक्शन है, तो इसमें इनका 800 रुपया पर किलोवाट के हिसाब से। आप पीछे हमने बताया था कि डोमेस्टिक जो अर्बन कनेक्शन था DS2 कनेक्शन होता है, उसमें सिक्योरिटी मनी 800 रुपया पर किलोवाट लिया जाता है। तो इसमें इनका 5 किलोवाट का 800 के हिसाब से टोटल सिक्योरिटी मनी हो जाएगा 4000 रुपया। दोस्तों इसमें सिक्योरिटी मनी पे कोई भी GST नहीं लिया जाता है, GST सिर्फ आपका एप्लीकेशन फ़ी और जो सुपरविजन चार्ज है उस पर ही आपको GST लिया जाएगा। तो ये 3 तरह के चार्ज हो गए, जो इनका 236 रुपये एप्लीकेशन फ़ी हो गया, 1062 रुपया हो गया इनका सुपरविजन एंड लेबर चार्ज, और तीसरा हो गया आप सिक्योरिटी मनी 4000 रुपया। अगर आप इन तीनों चार्जेज को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5298 रुपया। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी कैटेगरी के लिए जितने लोड का भी कनेक्शन है उसके लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना कनेक्शन का चार्ज लगना है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के नए नए वीडियोज लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।